हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? एंड आई एम सो सॉरी, इतनी लंबी छुट्टी के बाद आज अटेंडेंस लगाने आई हूँ। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और आज अंश का बर्थडे है और ये जनाब अपना मास्क वगैरह सब लेके तैयार हैं बाहर जाने के लिए। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। और अब घर के बाहर की तरफ चलते हैं। आप ऊपर देखिए आसमान, एकदम ऐसा लग रहा है बारिश होगा ही होगा, लेकिन लकीली बारिश नहीं हुआ है, हम घूम के आ गए। और ये मेरे इयररिंग्स है, जो स्टड्स है ना, ये वाले गोल्ड के हैं, इनको मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ। और ये दूसरा जो स्टोन वाला है वो आर्टिफिशियल है, मुझे सूट नहीं करते आर्टिफिशियल, पर ऐसी बाहर जा तक पहन लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई, मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स देख रहे हैं, मुझे मेकअप नहीं करना था वरना छुपा लेती हूँ। और यहाँ पे छोले और पता नहीं क्या क्या सब रेडी किया था कि अंश के बर्थडे के लिए कुछ कुछ स्पेशल बनाएंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमने ये डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे। ये प्लान नहीं था बिकॉज पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो हमें लगा आज भी बारिश होगी। ये देख सकते हैं बाहर इतना सारा बादल है, हमें लगा आज भी बारिश होगी, पर गूगल पे चेक किया था वेदर रिपोर्ट, तो उसमें था कि नहीं थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी, इसलिए हमने गूगल बाबा पे भरोसा करके घूमने के लिए निकल गए। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर में। अंश का बर्थडे और बर्थडे तो मंदिर कैसे नहीं जाते, इसलिए हम इस मंदिर में आए। ये हमारे घर से थोड़ा दूर, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता है, तो दूर ही है ऑफकोर्स, वहाँ पे गए थे हम। जगन्नाथ जी का मंदिर है, दिखने में एकदम नया लग रहा है बिकॉज उसको अभी अभी रेनोवेट किया है, रथ यात्रा के टाइम पे उसको अच्छे से रेनोवेट करके पेंट वगैरह किया है ना। इसका स्पीड देखो कितनी स्पीड से चढ़ रहा है ना, सॉरी, तो उसको रेनोवेट किया ना, तो इसलिए एकदम नया लग रहा है। लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना है, महाराज का जो टाइम था ना उस वक्त का है ये मंदिर। आप अंदर से जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इसको बस पेंट करके रेनोवेट किया ना, इसलिए एकदम नया लग रहा है अभी तो। ये मंदिर एक गांव में है अंदर के तरफ को, रथ यात्रा के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और यहाँ पे उन्होंने जो कीर्तन का जो सामान होता है ना सब वहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पे ना ये जो पालकी सा बना रखा है, इसको एक्चुअली जन्माष्टमी के टाइम पे कृष्ण जी की जो मूर्ति है ना उसको लेके जाते हैं नदी पे नहलाने के लिए, उसके लिए रखा हुआ। और ये वाला जो रास्ता है अंदर के तरफ जाता है परिक्रमा के लिए, मैंने सोचा जब परिक्रमा करूँगी उस वक्त इसको शूट कर लूँगी, लेकिन बाद में पंडित जी आ गए, उन्होंने बोला नहीं आपको शूट नहीं करना है यहाँ पे, आप शूट नहीं कर सकते, इसलिए फिर कैमरा बंद करना पड़ा था। ये हैं जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा। आप वो देखिए ना जहाँ पर उनके स्टैचूज रखे हुए हैं, वो पूरा पत्थर का बना हुआ है, उससे पता चलता है मंदिर कितना पुराना है। और ये रास्ता है वो जो पहले दिखाया था, उस रास्ते से अंदर जाते हैं परिक्रमा के लिए और यहाँ से बाहर निकलते हैं। उधर अभी नहीं, नमो होने के बाद चलेंगे आज। और ये मंदिर के जो पंडित जी हैं, उन लोगों का घर है यहाँ पे। कम हियर अंश। और इससे पहले कि कोई मुझसे ये पूछे कि अंश क्या गा रहा था, तो एक कार्टून प्रोग्राम आता है टिंग टोंग करके निकलोडियन पे, अंश वही गाना गा रहा था। हमने फूल वगैरह सब अंदर रख दिया है, बस यहाँ पे मम्मी दिया रेडी कर रही थी। Thank you.
और ये हमारा था छोटा सा म्यूजिशियन, उसको जहाँ पे जो भी नज़र आ रहा था सब बजाता चल रहा था। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस, मेरा गला ख़राब है। ये एक्चुअली व्लॉग 2 दिन पहले जाने वाला था लेकिन गले की वजह से ही आज जा रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। और अब फाइनली यहाँ पे मेरा और भाई का पूजा ख़त्म हो चुका है, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। और ये बाहर लक्ष्मी माँ की मूर्ति थी, लक्ष्मी माँ का मंदिर था यहाँ पे। वो एक्चुअली घंटी बजा रहा था और कुछ कुछ प्रेयर वगैरह गा के बोल रहा था, लेकिन फिर मुझे म्यूट करना पड़ा, बाहर गाना चल रहा था ना, भजन वगैरह कुछ चला रखा था उन्होंने, तो इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा, वरना वो प्रेयर्स गा रहा था वहाँ पे घंटी बजाते हुए। हमने अंदर परिक्रमा वगैरह भी किया और काफ़ी देर तक एक्चुअली पूजा हुआ था, लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं आप यहाँ पे वीडियोस नहीं शूट कर सकते हो, इसलिए फिर मैं वो शूट नहीं कर पाई और बाहर का ये सब दिखा रही हूँ आपको। और मंदिर को इस साइड से देख लीजिए, एक्चुअली बहुत बड़ा मंदिर है, सामने से समझ पता नहीं चल रहा था लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा मंदिर है। और ये लक्ष्मी माँ का मंदिर है जहाँ पर अभी हमने जस्ट पूजा कंप्लीट किया था। और जैसे ही हम पूजा वगैरह सब कंप्लीट करके बाहर आ रहे थे तो वहाँ पर एक फ्लावर की अलग से एक वैरायटी देखी, ये वाली। पता नहीं आप लोगों में से अगर किसी ने पहले देखा होगा तो अलग बात है, लेकिन मैं पहली बार देख रही थी, एकदम अलग कलर का फ्लावर था ये। इसका एक टहनी तोड़ के लेके आए हैं हम अपने गार्डन में लगाने के लिए। जन्माष्टमी के बाद वाला टाइम था ना, तो वहाँ पे शायद कीर्तन वगैरह भी कर रहे थे, तो वो एक्चुअली कीर्तन मैंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया था आवाज़ भी आई होगी, लेकिन फिर अचानक से पीछे से गाना भी चलने लगा ना, तो फिर मुझे वापस से म्यूट करना पड़ा, कॉपीराइट आ जाता वरना इसीलिए। अब मंदिर तो देख लिया, अभी चलते हैं हम नदी की तरफ, यहाँ पर पास में एक नदी भी है। अंश तो पानी देखते ही इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। उसको बहुत पसंद है ऐसे पानी यहाँ पे, स्पेशली जहाँ पे नदी वगैरह होना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मंदिर के बाद हम एक और जगह भी घूमने के लिए गए थे, लेकिन उसके लिए आपको एक और ब्लॉग देखना पड़ेगा जो इसके बाद आएगा। एक्चुअली ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था और उसको ऐड करके मैं इसको और लंबा नहीं बनाना चाहती थी, आपको बोर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए दूसरा पार्ट बना दिया मैंने, अंश का बोधी वाला। पीछे आप अंश की आवाज़ सुन रहे हैं, वो बहुत देर से जिद कर रहा है कि मुझे पानी में उतार दो, मुझे पानी में जाने दो, लेकिन उसको जाने नहीं दे रहे थे वो, इसीलिए क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिसलता है ना यहाँ पे, तो गिर गया तो चोट लग जाएगी खाली पॉकेट में, इसलिए उसको एकदम पकड़ के फिर भी थोड़ा सा पानी छूने को दिया, लेकिन उसमें भी उतना उसका मन नहीं भरा, उसको और ज़्यादा जाना है पानी के अंदर। वो कहाँ सुनने वाला था, उसको हम खींच के लेके जा रहे हैं ऊपर, बोलता नहीं मुझे पहले पानी छूने दो उसके बाद जाऊँगा, तो फाइनली पानी छुआ। पानी छूने के बाद भी देखिए उसको और जाना नहीं है, उसको वहीं पे बैठ जाना, उसको उठा रहे हैं हम, चलो कहीं और जाएंगे, दूसरे जगह पे जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत सारा पानी है, नहीं सुन रहा।
हेलो, बहुत जिद्दी है, वहीं पे बैठ गया जिद करके कि नहीं मुझे यहाँ से और कहीं जाना ही नहीं है। इसको आप मना के लेके जाते हैं दूसरी जगह पे, जो आपको देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में। और यहाँ पे जन्माष्टमी की पालकी लेके जा रहे हैं कृष्णा को नहलाने के लिए, उसी जगह पे जहाँ पे अभी अंश बैठ के सिद्ध कर रहा था। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।